हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्काई क्लासेस। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक लिया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 to 4 मार्क्स में हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। एंड सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में हमारा ये टॉपिक 3 to 4 मार्क्स में पूछा ही पूछा जाना है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हम इसको नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये पैडागॉजिकल टॉपिक है पूरा, तो इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे, थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। अब नाम ही हमारा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बालक को केंद्र में रख के बालक के चारों ओर घूमना, मतलब हमें बालक को समझना है इसलिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं, चीजों को जानने के लिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं। क्रिएटिव मतलब कुछ ना कुछ रचनात्मक होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, वो करते रहते हैं। एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, और उनके अंदर सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों के अंदर सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लर्निंग हमारा मैच्योरिटी से लर्निंग और मैच्योरिटी जो आती है हमारी, वो हेरिडिटी से आती है। तो बच्चों के अंदर पहले से ही एबिलिटी होती है, क्षमता होती है सीखने की। अब देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। क्यूरियस हमारा होता है जिज्ञासु, जो बालक होते हैं बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनको हर चीज जाननी होती है कि ये क्या हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ, सब चीजें बच्चों को जाननी होती है। अगर हम बच्चों को उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत बार वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो खुद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ और हो सकता है। बच्चे जो होते हैं अपना, उनका एक अलग ही माइंड सेट चल रहा होता है, वो लिटिल साइंटिस्ट भी होते हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जीन प्याजे, उन्होंने बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा जीन प्याजे ने बोला। तो उन्होंने बोला है कि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अगर उनके पास उनका टॉय है तो उसको भी खोल के देखेंगे पूरा। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसके पास क्या हो जाता है, साइकिल खिला देते हैं पेरेंट्स, तो क्या करेगा वो बच्चा, साइकिल के पार्ट्स खोलने लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। उसको हर चीज़ जाननी होती है, उसको हर चीज़ जाननी होती है। अब अगर हम बच्चों को वहीं पे दबा देंगे कि अच्छा तुम फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हो, अब बच्चे के दिमाग में आएगा कि अच्छा ऐसा है क्या, फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कम होती जाएगी। तो बच्चों को क्या करना है, टीचर को दबाना नहीं है, बच्चे को उभारना है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो जिज्ञासा है सब कुछ जानने की, टीचर को उसको सेटिस्फाइड आंसर्स प्रोवाइड कर दे, बच्चे को सेटिस्फाइड आंसर टीचर को देने हैं, जिससे जो बच्चा है वो उन आंसर से सेटिस्फाई हो सके और उसकी जो सोच रहा था वो सोचने समझने की जो उसकी एबिलिटी है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो बच्चे क्या होते हैं, हमारे क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, बच्चों को सब कुछ हमारे जानना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बच्चे क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव रचनात्मक, बच्चे हमारे रचनात्मक होते हैं। बच्चों को क्या करना है, कुछ ना कुछ देखो बच्चे जब फ्री होते हैं घर पे, उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम बड़े लोग हो सकता है फ्री होके बैठ जाए, और बच्चे क्या होंगे, उसका दिमाग हमेशा चल रहा है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बड़े भी वो करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, बट हम लोग को क्या होगा कि एक टाइम पे आके हम बैठ जाएंगे, जो बड़े लोग होंगे वो एक टाइम पे आके बैठ जाएंगे। बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को नहीं बैठना होता, उनको उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्रिएटिव चल रहा है। वो अगर पेरेंट्स दूसरे रूम में बैठे हैं तो वो बच्चे दूसरे रूम में जाएंगे और कुछ भी करने लगेंगे, अपनी बुक्स के साथ कुछ करने लगेंगे, अपनी ड्राइंग बुक में कुछ ड्रॉ करने लगेंगे, या फिर इवन वॉल्स पे, बच्चे वॉल्स पे बहुत ड्रॉ करते हैं। तो क्या करते हैं, वो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको टीचर को दबाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, पिटाई नहीं करनी कि अच्छा तुमने ये क्यों किया, वॉल गंदी कर दी क्यों किया, उसको देखना है बच्चा कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी को उभारना है, उसको दबाना नहीं। एज अ टीचर जब आप स्कूल में जाएंगे
तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर हर सब कुछ जानने की इच्छा होती है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनको ये नहीं बोलना कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछते हो तुम, ये हम बाद में आंसर करेंगे इसको, या फिर कुछ भी। ऐसा हो सकता है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि बेटा आपके आंसर्स मैं बाद में प्रोवाइड करूँगी या करूँगा, क्योंकि इससे सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बट हर बार आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि बाद में करूँगा बाद में करूँगा, फिर बच्चे के माइंड में क्या आएगा कि अरे बाद में बोल देते हैं हमेशा, क्लास में तो मेरी कोई बात सुनते नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्लास में ही सॉल्व कर दें, बट बहुत बार हो जाता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है या कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों के साथ डिस्कशन चल रहा है, तो आप बच्चे को बोलेंगे होल्ड करने के लिए कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपकी बात थोड़ी देर में सुनूंगा, क्लास खत्म होने के बाद आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, बट प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करिए, जिससे बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे, जो जिज्ञासु बच्चा जो है, जिज्ञासु का जो बच्चे के अंदर है वो बनी रहे, वो कम ना हो या वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। बच्चा अगर हम उसको आंसर्स नहीं करेंगे तो वो सोचेगा उसके अंदर जानने की मतलब इच्छा ही खत्म होती चली जाएगी कि आंसर्स तो करते नहीं है कभी, कुछ बताते तो है नहीं है कभी, तो उसका ध्यान फिर वहाँ से कहीं और शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन चाहिए होती है, तो टीचर को बच्चे को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बच्चे को क्या करना चाहिए, समझ के उनके क्वेश्चंस के आंसर दें, उनके साथ ऐसा बिहेव करें जिससे उनकी जो स्किल्स हैं वो उभरे, वो दबे नहीं। ठीक, नेक्स्ट एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इनेट होगा जन्मजात, इनेट हमारा होगा जन्मजात, इनेट एबिलिटी होती है जन्मजात क्षमता, एबिलिटी क्षमता, जो बच्चा होता है उसके अंदर जन्म से ही लर्निंग की मतलब सीखने की इच्छा होती है, सीखने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर। बच्चा जब छोटा सा बच्चा होगा वो इवन तभी से मतलब अपने से जो उसके आसपास रह रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, छोटेपन से ही वो ये सारी चीज़ें शुरू कर देता है, तो ऑब्जर्व कर रहा है मतलब उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा है। तभी बोलते हैं कि बच्चे छोटे बच्चे के पास जैसे हम बिहेव करेंगे, जैसे बातें हम करेंगे वो वही सीखेगा, सीखेगा इस बात इस लाइन में क्या है, वो वही सीखेगा। दैट मीन्स उसके अंदर बचपन से एक एबिलिटी होती है सीखने की। मैंने आपको बताया कि जो लर्निंग होती है हमारी, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो वो आप जाके देख सकते हैं, यहीं यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो मैंने उसको बताया था कि जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारे हेरिडिटी से संबंधित होती है, लर्निंग हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो बच्चा जो होता है उसके अंदर सीखने की जो क्षमता होती है वो बचपन से ही उसके अंदर होती है, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता बचपन से ही होती है, तो बच्चा बचपन से ही चीज़ों को सीखेगा। अब हमें पता है कि बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता होती है, तो हम क्या करेंगे उसको उसकी जो लर्निंग पावर है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि उसको जो वो सीखना चाह रहा है बच्चा उसको क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो दबा नहीं देंगे उसको, उसकी बातें सुनेंगे, उसको समझेंगे कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, आपको मतलब ऑप्शन में लगेगा कि ये वाला आंसर हो सकता है बट उसके अपोजिट आंसर हो जाता है सीक्रेट में, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने टॉपिक को ध्यान से समझा नहीं होता, हम टॉपिक को समझ नहीं पा रहे, बच्चे को हमें फ्रीडम देनी है, ऐसे फ्रीडम नहीं देनी कि बच्चे आपके सर पे नाचने लगे, ऐसे फ्रीडम नहीं देनी, बच्चे को उसके आइडियाज को उसकी थिंकिंग को रखने की फ्रीडम देनी है क्लास को, बच्चे को टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की फ्रीडम देनी, ये नहीं है कि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया कि चलो जाके बैठो सीख कर, तो वो क्या करेगा, वो चुप हो जाएगा, वो फिर पूछेगा नहीं कुछ भी, वो चीज़ें नहीं पूछेगा। तो हमें क्या करना है, बच्चे को उभारना है, बच्चे की स्किल्स को उभारना है, उनको दबाना नहीं, उन चीज़ों पर फोकस करना है जिससे बच्चा एक्टिव रहे। ऑप्शन में देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा हमारा, ऑप्शन में देखेंगे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है, जिस ऑप्शन में हमें लग रहा है कि बच्चा ना एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिव है, उसका माइंड चल रहा है इस चीज़ में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वही आंसर हमारा ठीक होगा। जैसे स्टोरीज वगैरह बच्चों को सुनाई जाती है तो उनसे क्या होता है, बच्चे चीज़ें इमेजिन करते होते हैं, तो बहुत ऑप्शन में स्टोरी रीडिंग या स्टोरी टेलिंग जो होता है हमारा करेक्ट
बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में हमें उससे भी बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्वेश्चन में उससे भी बेटर ऑप्शंस बहुत बार अवेलेबल होते हैं, बट क्या करेंगे बच्चे कि अच्छा स्टोरी वाला है तो स्टोरी वाले को भी टिक कर देते हैं कि उसमें उसकी इमेजिनेशन हो रही है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, अगर आपको फर्स्ट में ही स्टोरी वाला मिल गया तो आप फर्स्ट को ही टिक नहीं करेंगे, पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, देखेंगे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, बच्चे का जो माइंड है वो कहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है, उसी को फिर टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम टीचर सेंटर्ड क्लासरूम टू चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इसका मतलब टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मतलब शिक्षक केंद्रित कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा। शिक्षक केंद्रित कक्षा कैसे होती है, पहले स्कूल्स में होता था, इवन आज भी बहुत स्कूल्स में होता है कि बस टीचर ही अपनी बात बोलेगा, बच्चों को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम ही नहीं होती, स्कूल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी बट फिर भी टीचर क्या करता है क्लास में आके बस अपनी बातें रख देगा, अपनी लेक्चर देगा, अपनी चीज़ें बताएगा बच्चों को, उनके ऊपर फोक देगा और वो फिर चला जाएगा, बच्चे क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर रहे, बस बैठे ऐसे रोबोट की तरह बैठे हैं बच्चे और बस सुन रहे हैं और कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब कुछ इंट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो क्या होगा, वो वाली जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जिसमें बस टीचर बोल रहा है बाकी बच्चे बस चुपचाप स्टैचू बनकर सुन रहे हैं, वो वाली जो कंडीशन होगी वो हमारी होगी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। तो दो हमारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा जिज्ञास होते हैं, क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ज़रूरत है कि हमें शिफ्ट करना चाहिए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। कैसे, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में ये नहीं होगा कि चाइल्ड बीच में आके खड़ा हो जाएगा और टीचर बैठ के उसकी बात सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में होता है जहाँ बच्चे की बातों को सुना जाए, बच्चे की फिर बच्चे के थॉट्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी जाए, बच्चे को इंटरेक्ट करने की फ्रीडम दी जाए, दैट इज फ्रीडम इज द पॉइंट, फ्रीडम इज द पॉइंट, फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चे, फ्रीडम सही वे में गलत वे में, फ्रीडम इतनी हो कि बच्चा टीचर की रेस्पेक्ट भी करे, ये नहीं है कि बच्चा अगर टीचर के साथ फ्रेंडली है तो ये नहीं है कि वो उसको कुछ भी बोल रहा है या फिर उसकी बात नहीं सुन रहा, इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चे को जिससे वो अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से टीचर को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, अपनी बातें टीचर से अच्छे तरीके से सही वे में बोल पाए, पॉजिटिव वे में बच्चा बोल पाए, बट अगर निगेटिव वे में भी बोल रहा है तब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चे को वो चीज़ें समझाए, ठीक है। तो फ्रीडम तो बच्चों को प्रोवाइड करनी है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, फ्रीडम तो बच्चे को प्रोवाइड करनी है, बच्चे को सेंटर में रख के चीज़ें करनी है टीचर को, पर ये नहीं है कि कुछ भी अगर जैसे मतलब मैंने बोला फ्रीडम है तो फ्रीडम तो बच्चे को देनी है, पर ये नहीं है कि टीचर के साथ आके बच्चा कुछ भी बोल रहा है वो नहीं करना, ठीक है। तो टीचर को क्या करना है, अपना अटेंशन शिफ्ट करना है, बच्चे को सेंटर में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के ये सोचना है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर आकर बस लेक्चर देंगे और चले जाना है, ऐसा टीचर को नहीं करना, बच्चे को ध्यान में रखना, बच्चे की थॉट्स को उसकी वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चा जो सोच रहा है उसकी जो थिंकिंग है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चे की चीज़ों थिंकिंग को दबाना नहीं है उसको उभारना है जिससे बच्चा क्रिएटिव हो और ज़्यादा क्रिएटिव हो, इसके अंदर डेवलपमेंट हो, ये नहीं है कि जो उसकी क्यूरियोसिटी है उसको हमने बोल दिया कि तुम क्यों इतने क्वेश्चंस पूछते रहते हो, इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, तो ये नहीं करना, उसको ये नहीं करना, बच्चे को ध्यान में रख के चीज़ों को तब ऑर्गेनाइज करना। तो वो टीचर का काम है, टीचर का काम क्या है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगी, टीचर को किस चीज़ के कैसे काम करना है क्लास में, टीचर को आके अपने को सब कुछ नहीं मानना, टीचर को ये नहीं मानना कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा टीचर को प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना, बच्चे की बात सुनो, टीचर जो है फैसिलिटेटर है, टीचर को बच्चों को क्या करना है, चीज़ें प्रोवाइड करानी, जिससे बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करानी है जिससे जो बच्चा है उसके जो थॉट्स है उसके आइडियाज़ है वो और डेवलप हो सके, वो उन चीज़ों को और ज़्यादा निखार सके, अपनी स्किल्स को निखार सके, तो टीचर को ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने बोला चिल्ड्रन आर क्यूरियस क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं और उनके अंदर एक जन्मजात
क्षमता होती है चीजों को सीखने की, बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वो चीजों को सीख सके। नेक्स्ट, वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मैंने आपको बता दें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, जहाँ पर टीचर ही मेन होता है, टीचर क्लास में सेंटर होगा और सब बच्चे चुपचाप बस उसकी बातें सुनेंगे। जैसे पहले गुरुकुल वगैरह होते थे ना, तो वहाँ पे जो गुरुजी होते थे बस वो ही मेन होते थे, और जो सारे उनके शिष्य होते थे वो चुपचाप अपनी उनकी बातें सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। वो उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप नहीं करते थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बस चुपचाप रह के उनकी बातें फॉलो करते थे। तो आज के टाइम पे हो सकता है कि उसके उस वो वाले टाइम पे, गुरुकुल वाले टाइम पे वो चीज़ें सही हो, मतलब तब के बच्चों के लिए हो सकता है कि सही हो, बट आज के टाइम पे देखा गया कि बच्चों को ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर बच्चों को हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो बस उनके अंदर जो नॉलेज है वो ऐसे भर रहा है, ठीक है, बच्चों को ऐसे खाली क्लास की तरह बस ऐसे उनके ऊपर थोप रहे हैं नॉलेज कि तुम ये याद करो बस, मतलब तुम्हें पढ़ना ये याद करो। बट आज के टाइम पे देखा गया कि जो बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाए, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाए, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दी जाए, जिससे बच्चों के जो आइडियाज हैं, उनके थॉट्स हैं, वो डेवलप हो पाए, बच्चों की क्यूरियोसिटी दबाई ना जाए, वो उभर कर आए। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी किस किस चीज पे फोकस करती है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो हमारा किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, तो देखते हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो फोकस करेगा चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। अब देखो ये एक तरीके से फायदे बताए जा रहे हैं हमारे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। हमने बोला कि चाइल्ड को सेंटर में रख के एजुकेशन दिया जाना चाहिए, तो अब हम वो चीज़ें देख रहे हैं कि इस चीज़ को रख के फायदे क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं अगर तो चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, इससे क्या होगा जो बच्चा है उसके जो करंट लाइफ चल रही होगी और वो उन थॉट्स को उन चीज़ों को अपनी करंट लाइफ से जोड़ पाएगा और ज़्यादा समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को ध्यान में रखकर क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम उससे बच्चे से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि अगर बच्चे को ध्यान में रखकर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से रिलेटेड ही हम बच्चे को एग्जाम्पल्स देंगे, और अगर वो एग्जाम्पल्स उसकी बाहरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे वो अपने घर में रहता है या आसपास अपनी चीज़ों को देखता है, वैसे अगर हम उसको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बच्चा अपनी करंट लाइफ को और स्कूल लाइफ को कनेक्ट कर पा रहा है, वो सीख पा रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो पा रही हैं, ठीक है, वो समझ पा रहा है चीज़ों को कि अच्छा ये हाँ वहाँ पर भी मैंने ऐसा देखा था, तो वो चीज़ों को समझ पा रहा है, तो क्या होगा वो अपनी स्कूल लाइफ को और करंट लाइफ को कनेक्ट कर पाएगा, जोड़ पाएगा, तो उससे बच्चा क्या होगा ज़्यादा सीखेगा, बच्चे को चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। नेक्स्ट, करंट लाइफ और एक्सपीरियंसेस को बच्चा क्या कर पाएगा, समझ पाएगा, बच्चा महसूस कर पाएगा अपने करंट लाइफ को कि स्कूल में अगर उसको एग्जाम्पल्स इस तरीके के दिए जा रहे हैं जहाँ बच्चा अपनी करंट लाइफ को कनेक्ट कर पा रहा है तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, बच्चे को चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर हम मतलब कोई भी अगर कुछ पढ़ रहा होगा और वो उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दे, जो उसकी करंट लाइफ चल रही है उस चीज़ को, कुछ भी एग्जाम्पल हो या फिर कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो वो उस चीज़ को कनेक्ट कर ले, तो क्या होता है वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, वो फिर हम कभी भूलते नहीं। सेम बच्चे के साथ होगा, अगर बच्चे को हम उस तरीके से पढ़ाएंगे जो उसके करंट लाइफ से कनेक्ट हो पाए, जो एग्जाम्पल हम बच्चे को दे रहे हैं या फिर जो अगर हम उसको थ्योरी समझा रहे हैं, कुछ थ्योरी वाली चीज़ें उसको समझा रहे हैं, तो उसकी करंट लाइफ से अगर हमने उसको कनेक्ट कर दिया, जो हमारा NCF है वो भी हमारा यही कहता है कि बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है, तो बच्चे को अगर हमने उससे कनेक्ट कर दिया तो बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने स्कूल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा और चीज़ों को सीख पाएगा। नेक्स्ट बात करें तो पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, वो बात मैं जो भी आपको इतनी देर से समझा रही हूँ
कि जो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित जो हमारी शिक्षा है, उसका क्या फोकस है कि बच्चे को सेंटर पर, बच्चे पर ध्यान दिया जाए, बच्चे की चॉइस क्या है, बच्चा सीखना भी चाह रहा है ये चीज़ें या नहीं सीखना चाह रहा। एक बच्चा है उसको हम मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, देखा उसका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, बायो में है या हिस्ट्री में है या सिविक्स में है, मतलब पॉलिटी में है, तो ये बच्चा सीख नहीं पाएगा। बच्चा एग्जाम्पल्स ले लें या फिर कुछ भी ले लें, हम उसको सिखाया जा रहा है, ऊपर से उसकी पिटाई की जा रहा है, इतनी देर हो गई तुम्हें सिखाते सिखाते, तो मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो कैसे समझ में आएगा? बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, बच्चे की चॉइस ही नहीं है वो, बच्चे को तो हिस्ट्री पढ़नी है या बच्चे को तो ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका इंटरेस्ट उसी में, उसी में बेटर कर सकता है, उसी वो वही सब्जेक्ट लेके उसमें अपना 90% दे सकता है, और मैथ्स को करवाना हो सकता है उसमें वो 30% भी ना दे पाए। तो यहाँ पर बच्चे की चॉइस पे फोकस किया जाएगा, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, उस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या था, जो टीचर ने बोल दिया वही बच्चे को पढ़ना है, चाहे उसे इंटरेस्ट हो या नहीं हो, बस उसे पढ़ना है, और नहीं पढ़ा तो फिर उसकी स्टिक होती थी कि पिटाई होनी है, तो डर में बच्चे पढ़ भी लेते थे। तो बट डर कब तक चल पाया, बहुत बच्चे पिट पिट के बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि उनके अंदर डर ही खत्म हो जाता है, बच्चों के अंदर पिट पिट के डर ही खत्म हो जाता है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हमारा फोकस करता है कि बच्चे को सेंटर में रखा जाए, ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें वो चीज़ें करनी है, वैसे अपॉर्चुनिटीज बच्चे को देनी है जिससे उनकी स्किल्स जो है वो उभर के आए, जो क्वेश्चन है उनके वो उभर के आए, वो दबे नहीं। मैंने बताया बच्चे क्यूरियस होते हैं, रचनात्मक होते हैं, मतलब जिज्ञासु होंगे, रचनात्मक होंगे बच्चे, तो क्या होगा उनकी इच्छाओं को दबाया नहीं जाए, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए जिससे जो उनके स्किल्स हैं, जो जिस चीज़ में वो अच्छा कर सकते हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, एप्टीट्यूड है जो उनका, जिस चीज़ में वो अच्छा कर सकते हैं उसी चीज़ पे वर्क किया जाए, टीचर को जिस चीज़ पे बच्चा अच्छा कर सकता है उसी चीज़ पे बच्चे की वर्क करना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा और ज़्यादा उभर के आए, बच्चा पूरे फ्लावर की तरह खिल के आए, ठीक है। तो हार्नेस, हार्नेस मतलब उभारना, उभारना हो गया या निखारना हो गया, बच्चे की स्किल्स को उभारना, स्किल्स मतलब कौशल, बच्चे के अंदर जो भी कौशल है उनको उभारना है, उनको निखारना है टीचर को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चे को देनी है जिससे उनके जो थॉट्स हैं, उनकी थिंकिंग है वो और डेवलप हो सके। ये नहीं है कि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसको थप्पड़ दिखाकर या फिर वैसे डांट कर चुप करा के दें, वो वाला टाइम वर्क नहीं है, बच्चे को समझना है, बच्चे के ऊपर फोकस करना है, बच्चे को इस तरह से चिल्ड्रन आर लाइक अ फ्लावर, ठीक है, अगर बच्चे को फ्लावर की तरह ट्रीट करेंगे, देखा जाता है ना फ्लावर को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है उसकी बहुत ज़्यादा, एक दिन भी अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम पानी दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बच्चा भी सेम वैसे ही है, बच्चे को फ्लावर की तरह रखना है, बच्चे को समझना है, उसकी चीज़ों को ध्यान देना है कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए हमें चीज़ें करनी है, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जिससे वो अपनी स्किल्स को उभार सके। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को, बच्चे की इच्छा को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया आपको वही मैथ्स वाली बात या हिस्ट्री वाली बात, बच्चे की जो चॉइस है वो हिस्ट्री है, या बच्चे की चॉइस बायोलॉजी है, बच्चे को जूलॉजी पढ़नी है या बायोलॉजी पढ़नी है, बट हम क्या कर रहे हैं मैथ ही पढ़ाया जा रहा है, नहीं तुम मैथ पढ़ोगे तुम इंजीनियरिंग करोगे, लाइक वो थ्री इडियट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, थ्री इडियट्स मूवी बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है, जिसमें वो जो रोल होता है फरहान आई थिंक उसका नेम होता है, तो उसको फोटोग्राफर बनना था, बट उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे थे कि नहीं तुम इंजीनियर ही बनोगे, हमने तुम पढ़ाने पर इतना इन्वेस्ट किया है बचपन से लेकर अब तक, तो तुम्हें क्या करना है तुम इंजीनियर ही बनोगे, तुम्हारी चॉइस फोटोग्राफर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे की चॉइस को सपोर्ट करना है। सॉरी, बाद में अगर हम देखते हैं तो मूवी में ही अगर हम देखते हैं तो बच्चा फोटोग्राफर बन के भी उतना अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको वही अपना काम पसंद आता है, फिर उसके पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो सेम ही बात है, बच्चे को सपोर्ट करना है उसकी चॉइस को लेकर, हो सकता है कि वो उसी चीज़ में बहुत अच्छा कर जाए, और हो सकता है अगर
एकदम से इंजीनियर ही बनाने के चक्कर में लगे रहोगे तो हो सकता है बिल्कुल थर्ड ग्रेड इंजीनियर बन के रह जाए, वो नहीं कर पाए उतना चीज। तो ये सब चीजें, तो बच्चे के चॉइस को सपोर्ट करना, उसको जिस फील्ड में वो चाहता है, जिस फील्ड में वो कर सकता है अच्छा, आपको लगता है कि हाँ यहाँ बच्चा अच्छा कर सकता है, तो बच्चे को वहीं पर सपोर्ट करो, बच्चे को सपोर्ट करो। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान होती है। हर बच्चे को एक ही डंडी से नहीं हाँक सकते आप, एक ही चीज से हर बच्चे को समझ में नहीं आ सकते। गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब विभेदी अनुदेशन। ये होता है विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। सबको चीजें बता दो। ये बहुत जगह ये एप्लीकेबल होता है, वहां
लिए सही होगा, बट कुछ जगह के लिए, मतलब कुछ नहीं, मोस्टली जगहों के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमारा बेटर होता है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की वजह, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार जल्दी से ये सब चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस चीज़ पर फोकस करता है, किस चीज़ पर बल देता है? हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा हमारी किस चीज़ पर बल देती है? एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, बच्चे के करंट लाइफ और एक्सपीरियंसेस पे फोकस करें। बच्चे के लाइफ में करंटली जो चल रहा है अगर हम उसको वहाँ से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएगा। नेक्स्ट, पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बच्चे को बीच में रखें, बच्चे को फ्लावर की तरह ट्रीट करें, उसकी बातों को सुने, उसके थॉट्स को समझे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या एक्सप्रेस करने की बच्चा कोशिश कर रहा है। ये सब चीज़ें अगर हम समझ के वर्क करते हैं तो बच्चे की जो स्किल्स हैं वो उभर के आते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल्स, बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि वो अपनी स्किल्स को, अपने कौशल को निखार सके, उभार सके अपने जीवन में। नेक्स्ट, सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को सपोर्ट करना चाहिए। कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसको स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको सपोर्ट करो, वो वहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है। गर्ल्स में अगर कोई, इवन बॉयज में अगर कोई एक्टिंग में जाना चाहता है, उसको एक्टिंग पसंद है, तो सपोर्ट कीजिए क्योंकि उसके अंदर वो भी एक कला है, वो भी एक स्किल है उसके अंदर। अगर हम उस पर वर्क करेंगे तो वो उभर के आएगा, वो निखर के आएगा, ठीक। तो उसकी चॉइस को सपोर्ट करना है, दबाना नहीं है, डांटना नहीं है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें तो इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, ये सब ही करना है, ऐसे नहीं करना। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, वो मैंने आपको बताया कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से वैरी करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होते हैं, तो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है बच्चों को। एक ही डंडे से नहीं हाँकना सबको, एक ही चीज़ से सबको नहीं सिखाना है, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से बच्चों को समझाना है, उसकी बातों को सुनना है, तब उसको समझना है, ठीक। तो आई होप आज की इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझने वाली चीज़ें ज़्यादा थी आज के टॉपिक में, क्योंकि ये खुद ही पेडागोजी का टॉपिक है और सीटेट में हमारे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा जरूर। चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, बच्चे को ध्यान में रखें, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपको समझ में आता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जैसे जॉन डीवी, प्रॉबल, इन्होंने कुछ बातें की हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो और प्रोग्रेसिव स्कूल्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।